गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम चैप्टर टू को ख़त्म कर लेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसका लास्ट टॉपिक डाइजेशन इन एमीबा एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स और एमीबा का मैंने अलग अलग इंट्रोडक्शन में लिखा था कि ग्रास ईटिंग एमीबा और प्लांट ग्रास ईटिंग एमीबा बोल रहा हूँ, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और एमीबा का अलग अलग लिखा था, पर इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया डाइजेशन इन एमीबा एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स का नोट लिखा, उसके बाद इसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमने क्या सीखा था, पीछे हमने माउथ के बारे में सीखा था, स्टमक के बारे में सीखा था, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब के बारे में भी सीखा था। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट और अदर पार्टिकल्स होते हैं, ये सब हमने पीछे किया था। अभी हम दूसरे एनिमल्स में डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बफेलोज, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बफेलोज काउज एंड ऑक्सेस, ये सब क्या करते हैं, रेस्ट करने के बावजूद भी जब वो खा भी नहीं रहते हैं, मतलब वो खाते नहीं है, फिर भी बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इनके इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। Actually, they quickly swallow the glass and store it in a part called, ठीक है, तो continuously वो क्या करते हैं, उसको chew करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है chew, तो actually वो क्या करते हैं, उसको swallow कर लेते हैं। grass खाने के टाइम पे मान लीजिए ये क्या कर रही है, ग्रास खा रही है, ग्रास खाएगी और ग्रास को क्विकली स्वेलो भी कर लेगी। ठीक है, तो ये उस टाइम डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, तो वो क्या करता है, वो एक स्पेशल पार्ट में जाता है, उसे क्या कहते हैं, रमेन, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये है रुमेन, ये र्यूमेन है। ठीक है, ये वाला र्यूमेन है, जब फूड यहाँ से अंदर जाता है यहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर वो उसको वापस मुंह में लेकर क्या करते हैं, च्यू करते हैं, फिर अंदर भेजते हैं, फिर मुंह में लेकर च्यू करते हैं, फिर अंदर भेजते हैं। ठीक है, देखिए हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन कॉल्ड कर, वो क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और कर्ड में बदल जाता है, क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, यानी ग्रास का जो सेल्यूलोज होता है वो कर्ड बना देता है इसको। ठीक है, तो कट बनाने के बाद ये जो फूड होता है वो क्या करता है, माउथ में रिटर्न हो जाता है, और वो क्या करते हैं, उसको च्यू करके फिर से अंदर भेजते हैं, फिर आता है, फिर अंदर भेजते हैं, ऐसे करते करते, इसीलिए मतलब जो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं गाय के चार पेट होते हैं, कहते हैं कि नहीं, पर गाय के असल में चार पेट होते नहीं हैं, वो अंदर डाल दिए, र्यूमेन में है, फिर आएगा, फिर अंदर जाएगा, ये प्रोसेस चलता है। और ये भी एक स्टमक होता है, उसमें दो स्टमक होते हैं, फोर स्टमक जो बोलते हैं वो गलत बात है। ठीक है, उसके बाद है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, जो ये जो प्रोसेस होता है उसे रूमिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेशन करते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेट्स। ये दिखा है, तो ये र्यूमेन के नाम पे पड़ा है रूमिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि वो र्यूमेन में जाता है फिर वापस आता है, फिर र्यूमेन में जाता है वापस आता है, इसलिए इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और इन जो ये जो एनिमल्स होते हैं जिनमें रूमिनेशन होता है उन्हें कहते हैं रूमिनेट्स। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ग्रास में एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं सेल्यूलोज को, और ये एनिमल्स क्या करते हैं, उसी सेल्यूलोज को बार बार चबा के डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये सेल्यूलोज कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ये सेल्यूल नाम के एक ऑर्गेन में डाइजेस्ट होता है, सेल्यूल
सेल्यूलोजिन नाम का एक ऑर्गन होता है, सेल्यूलोजिन में ये जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपरली, ठीक है। और हम ह्यूमंस या फिर कोई अदर एनिमल्स जैसे कि क्या हुए वो डॉग्स हुए कैट्स हुए ये सब इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में देख लिया, अब इनके डाइजेशन के प्रोसेस में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रास को अंदर लेते हैं और चार बार बाहर नीचे बाहर निकालते हैं अंदर जाते हैं, बाहर निकालते हैं अंदर डालते हैं, कितने बार, चार बार। और इनके दो पेट होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, च्यू करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर जब वो कट बन जाता है उसको अंदर स्टमक में ले जाके फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इनका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर सेल्यूलोज को ये क्या करते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, फिर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और ये अपना गोबर निकाल लेते हैं, ठीक है, अंदर से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको गोबर के रूप में निकाल देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं उसको उससे गोबर गैस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा सेल्यूलोज का पार्टिकल प्रेजेंट होता है इसीलिए। उसके बाद क्या है, ये रहा एमीबा। अब एमीबा पे आते हैं, एमीबा ये क्या है, एमीबा एमीबा क्या करता है, एमीबा भी डाइजेशन करता है। ये एमीबा क्या करता है, मान लीजिए ये क्या हो गया है, ये हो गया फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल हो गया, और ये जो एमीबा है वो जो पानी में रहता है एमीबा, और वो क्या करेगा, अपने नकली पैर बना लेगा, क्या करेगा, अपने नकली पैर बना लेगा, असली पैर तो होते नहीं है, ये कुछ ऐसे होता है। ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। और ये क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, मैंने आपको यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर बताया था, यूनिसेल्यूलर जिसमें एक सेल होता है, मल्टीसेल्यूलर जिसमें अनेकों सेल होते हैं, तो ये हम लोगों में अनेकों सेल होते हैं, बस कुछ एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स में जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनमें वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है, तो ये कौन सा है, यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है, इसमें यूनिसेल होता है, ठीक है। अब देखिए ये सब सेल ऑर्गेनल्स है इसके, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये खुद ही एक सेल है, खुद ही एक सेल की तरह मान लीजिए, लेकिन ये एक जो सेल की तरह है वो एनिमल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मान लीजिए ये फूड पार्टिकल होगा हो गया, और ये क्या करते हैं, अपने जो ये ऐसे रहेगा, मान लीजिए ये ऐसे होता है, सीधे ऐसे होता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मानो कि उसके नकली पैर निकल आते हैं, ठीक है, वो अपने नकली पैर निकाल देते हैं, ये जो दिख रहे हैं दो पैर इसके, वो अपने नकली पैर ला देता है, वो भी हमारी तरह इतना बड़ा बड़ा नहीं कि हमको दिखाई दे रहा है, वो एकदम छोटा छोटा पैर होता है, और धीरे 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 अपने फूड पार्टिकल को अंदर लेता है, और वो फूड पार्टिकल जाता है न्यूक्लियस के एक ऐसे अंग में जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल एमीबा में होता है, ठीक है, एमीबा में ही होता है फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल क्या करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है, और ये क्या करता है, यहाँ से ईजेशन कर देता है, ठीक है, ईजेशन कर देता है, ये तो सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में यूटिलाइजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, ये भी क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो एमीबा का देख लिया और इनका इसका भी देख लिया, इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है क्या, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उन सब के
जो आंसर्स होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।